कन्नौजी। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अनुमति के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम की संतुष्टि पर मोहम्मद आसिफ को मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड की प्रदेश कार्यकारिणी में सचिव बनाया गया। वहीं उवैद सिद्दीकी को छात्र सभा का राष्ट्रीय सचिव मनोनीत किया गया। गृह जनपद में चाहने वालों में खुशी की लहर दौड़ गई और एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर खुशी का इजहार करने लगे। वहीं आसिफ का गृह जनपद में आगमन होने पर उनके समर्थकों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। 2022 चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं उवैद सिद्दीकी ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो जिम्मेदारी हमको सौंपी है उसको हम बखूबी निभाएंगे और चुनाव को जीतने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। वहीं समर्थकों और परिजनों में खुशी की लहर देखने को मिली। फैसल खान की रिपोर्ट। किस तरीके का प्रोग्राम था आज कार्यालय में? आज जो प्रोग्राम रखा हुआ था, मैं सबसे पहले मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक जिम्मेदारी छात्र सभा में राष्ट्रीय सचिव बनाया है और हमारे बड़े भाई आसिफ जी को प्रदेश सचिव बना यूथ ब्रिगेड में। तो इसका एक छोटा सा स्वागत समारोह रखा हुआ था और प्रथम बैठक भी थी जिला आगमन। आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या भूमिका रहेगी आपकी? आने वाले चुनाव में जो हम लोग की जो मुझे जिम्मेदारी दी गई वो छात्र सभा की दी गई। हालांकि हम लोग हर स्तर से देख रहे हैं, बूथ से लेकर हर स्तर, इस वक्त जो हम लोग का चल रहा है डोर टू डोर जाके, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, हम लोग सब कोविड गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन करते हुए उसी चीज़ पर ध्यान रखते हुए और समाजवादी पार्टी को 2022 में अखिलेश यादव जी का पुनः मुख्यमंत्री बनाने के रूप में हम लोग कार्य कर रहे हैं। बूथ स्तर से लेकर जिस जो भी हम लोग के बस का है या जो भी हम लोग के लायक है उसमें हम लोग पूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ऐसी ही खबर से जुड़े